हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु आईएएस। ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। और आज ये सेशन है अबाउट हरियाणा सिविल सर्विसेज, बिकॉज एचपीएससी कैलेंडर इज फाइनली आउट फॉर एचसीएस। एचसीएस एग्जामिनेशन के लिए एचपीएससी ने डेट अनाउंस कर दी है, राइट? जो प्रीलिम्स की जो डेट है दैट इज ऑन 11th दैट इज़ ऑन 11th February, जो आपकी प्रीलिम्स की डेट है स्टूडेंट वो 11th February है। और फॉर मेन्स एग्जामिनेशन इट्स 31st March, इट्स फॉर ये एक टेंटेटिव डेट है फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन फॉर द हरियाणा सिविल सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी डेट्स आउट हो चुकी हैं, तो यू नो जैसे एग्जामिनेशन का कैलेंडर आउट होता है उसी टाइम पे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं या जिनका एक टारगेट होता है, राइट, जिन्होंने कभी ना कभी कोई ड्रीम देखा होता है कि हाँ जी हम एक दिन ऑफिसर बनेंगे हरियाणा के, तो उसी टाइम पे यू नो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उसी टाइम पे यू नो आप जो गाड़ी का गियर है वो अपनी गाड़ी का गियर जो है वो 5th पे कर लेते हो कि हाँ जी अब तो एग्ज़ामिनेशन आ गया है, डेट भी आउट हो गई है, तो अभी जो है वो सोचना नहीं है, इस टाइम पर एक्शन लेने का टाइम है, राइट। सो जिसने अब एक्शन लिया, राइट, वही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा, अदरवाइज़ फिर आप सोचते ही रह जाओगे। अगर आपने 5 दिन 10 दिन 15 दिन इस बात के पे डिले कर दिए कि हाँ जी चलो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आने दो फिर देख लेंगे, फिर कुछ सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं अभी एडमिट कार्ड आने दो फिर देखेंगे, है ना। तो जैसे जैसे आप डेज लूज़ करते जाओगे स्टूडेंट, वैसे वैसे आप कॉम्पिटिशन से बाहर भी होते जाओगे, राइट। सो फटाफट से स्टूडेंट्स जल्दी से अपना यू नो पेटी बांध लीजिए फटाफट से, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आपको डू और डाई वाली बात हो चुकी है महात्मा गांधी जी की तरह, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ना है स्टूडेंट, राइट, जो आपका फोकस होना चाहिए वो टोटल स्टडी के ऊपर होना चाहिए, राइट, कि किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाए, ठीक है, उसको किस तरीके से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुँचा जा सके, राइट, सारी स्टेजेस को क्लियर करते हुए, राइट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभिमन्यु आईएएस जो नंबर वन इंस्टीट्यूट है एचसीएस की प्रिपरेशन को लेकर, और जो अभी अभी जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले एचसीएस का रिजल्ट आया था उसमें 41 सिलेक्शंस हुई हैं स्टूडेंट्स हमारी इन 2021 और 27 प्लस सिलेक्शंस हुई हमारी 2022 के अंदर, ओके, जिसका रिजल्ट अभी कुछ टाइम पहले ही आया था जिसमें 61 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था फॉर द इंटरव्यू कॉल, राइट। उसमें से 27 प्लस जो सिलेक्शंस थी वो अभिमन्यु आईएएस से थी, ठीक है, और मैं इसको ऐसे ही नहीं क्लेम कर रही, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, यू नो उन स्टूडेंट्स की इंटरव्यू, उन स्टूडेंट्स की यू नो रिव्यूज़, आप सब कुछ देख सकते हैं, इवन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से अभिमन्यु आईएएस यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए रेडी हो चुका है, मेरी पूरी टीम यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और इसके लिए स्टूडेंट्स हमने एचसीएस प्रीलिम्स एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को फोकस करते हुए स्टूडेंट हमने फास्ट ट्रैक एक बैच लॉन्च किया है जिसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी, सी सेट की क्लासेस भी रहेंगी, रिवीजन क्लासेस भी रहेंगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी और मेंटरशिप भी रहेगी, राइट। तो दिस इज 75 डेज कोर्स स्टूडेंट, दिस इज 75 डेज कोर्स स्टूडेंट, राइट, 75 डेज का ये कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, सी सेट, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप के साथ स्टूडेंट इंश्योर किया जाएगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड, यू नो रिजल्ट ओरिएंटेड ये एक बैच है स्टूडेंट, जिसमें हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर यू नो 100% फोकस के साथ यू नो उसकी प्रिपरेशन करवाई जाए, राइट। लिमिटेड सीट्स के साथ यहाँ पे हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, राइट, जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट 21 नवंबर से स्टूडेंट, राइट, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल हैं, अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं, राइट। और जो हमारा एड्रेस है वो है स्टूडेंट सी, आई थिंक सो आपको विजिबल नहीं होगा मे बी, तो बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सेक्टर 72 इन मोहाली, आप नोट कर लेना अगर किसी ने ऑफलाइन आना है, सेक्टर 72 इन मोहाली, फेज़ 8,
फेज एट, ठीक है, आठ फेज के अंदर है ये इंडस्ट्रियल एरिया स्टूडेंट ये, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हॉस्टल ने या पीजी का इशू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामने बिल्कुल सेक्टर है, ठीक है, वहाँ सब लोग रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा मत सोच लेना। कभी कभी यू नो जो टाउन से हैं या जो विलेजेस हैं उनको लगता है इंडस्ट्रियल एरिया, पता नहीं यार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगे तो वहाँ रहेंगे कहाँ पे, नहीं ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है, ओके। तो फेज़ एट है स्टूडेंट और फ्लोर है हमारा C126, जो हमारा फ्लोर नंबर है दैट इज़ सॉरी बिल्डिंग नंबर C126 फोर्थ फ्लोर, ठीक है जी, ओके। और इवन आपको नंबर भी नीचे मिल जाएगा, और अगर ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, अभी मेन्यू आई है, आप वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है जी, ओके। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट, ठीक है जी, ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो एग्जामिनेशन की बात तो हो गई हमारी, है ना, ये भी बता दिया कि कोर्स लॉन्च हो रहा है, राइट, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाँ जी एड्रेस कहाँ पे है और क्या क्या इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ सीख ली आपने, ठीक है। बट स्टूडेंट किसी भी एग्जामिनेशन को समझने के लिए, राइट, किसी भी एग्ज़ाम को रेडी करने से पहले आपके सामने कुछ तो होना चाहिए ना, जिसको देख कर आप ये गेस कर सको कि हाँ जी इसमें मुझे करना क्या है। भाई एग्जामिनेशन के बारे में पता तो लग गया, ठीक है, लेकिन उसमें करना क्या है, तो उसे भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं। और मुझे यही आपको बताना है कि हाँ जी ये जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है इसका क्या सिलेबस है, राइट, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके सीयर स्टूडेंट, जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है स्टूडेंट, सो प्रीलिम्स जो है स्टूडेंट आपका, उसके अंदर क्या है, एक तो आपका जर्नल स्टडी का पेपर होगा, राइट, और एक स्टूडेंट होगा आपका सी सेट का पेपर, ठीक है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड जीएस पेपर वन, ठीक है, जीएस पेपर वन को यहाँ पे समझते हैं हम यहाँ पे। तो जर्नल स्टडी पेपर वन के अंदर क्या चीज़ है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एवरीडे साइंस, साइंस जो सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट, साइंस जो है यहाँ पे बेसिक साइंस पूछी जाती है स्टूडेंट। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ बेसिक साइंस ही पूछी जाती है स्टूडेंट, इसमें जो करंट अफेयर होते हैं राइट, और इवन जो हमारी एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्लासेस में आपको मैं कवर करवा दूँगी। बाय द वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो मैं ही कवर करवा रही हूँ आपको, राइट, आई विल टीच यू जर्नल साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस का पोर्शन जो है वो दोनों ही कवर होंगे आपके क्लासेस के अंदर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, राइट, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक अगर कोई ट्रीटी साइन हुई है या फिर मान लो कोई यू नो इस टाइम पे क्लाइमेट को लेकर कहीं पे कोई कन्वेंशन हुआ है, राइट, कोई कॉन्फ्रेंस है कोई इंपॉर्टेंट, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सो इट विल बी डील इन योर करंट और करंट अफेयर क्लास, राइट। नेक्स्ट वन इज हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा के पोर्शन को हम बाद में देखते एक बार के लिए छोड़ देते, पहले यहीं आते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटी, राइट, ये हमारी फैकल्टी जो है पॉलिटी की वही आपको कवर करवाएंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, ओके। तो पॉलिटी के अंदर लाइक जो मेन स्टेट पीसीएस के अंदर जो चैप्टर्स देखे गए हैं, जैसे पंचायती राज जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, इसमें क्या है स्टूडेंट, अच्छा अब मेरे से बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, राइट, पॉलिटी कवर करने के लिए, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट, कुछ आपको एडवांस यू नो चैप्टर भी पढ़ने पड़ते हैं लक्ष्मीकांत के, वो आपको सर बहुत अच्छे से बता देंगे कि हाँ जी कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री की, राइट, हिस्ट्री के अंदर भी स्टूडेंट आपकी लाइक एंशियंट हिस्ट्री हो गई, राइट, मिडिवल हिस्ट्री होगी आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, तो उन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा बहुत ही डिटेल में, थॉरोली हम इसको पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर इंडिया कैसा था, ठीक है, फिर मिडिवल आते आते किस तरीके से बहुत सारे आउटर अटैक्स होते हैं, राइट, मुगल एरा, लोधी डायनेस्टी, बाबर, राइट, स्लेव डायनेस्टी, इन सब के बारे में आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, राइट,
इसी के अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर सिंपली क्या चीज़ है स्टूडेंट? कुछ भी नहीं है, जो भी हमारी इंडिया की हिस्ट्री रही और किस उसके अंदर आर्ट जो है, इंडिया का जो आर्ट है या जो स्कल्पचर्स हैं, राइट, या जितनी भी यू नो अलग अलग टाइप के टेम्पल्स हैं, कोई मॉन्यूमेंट है, राइट, उनकी उन वो किस तरीके से यू नो टाइम के साथ चेंज हुआ या उनका इंडियन सोसाइटी में क्या रोल है, ये सब चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, राइट। हिस्ट्री में आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि हाँ जी टेम्पल्स, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ टेम्पल्स का ही, राइट। तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि टेम्पल्स आर नॉट ओनली यूज़ फॉर वर्शिप ओनली, ठीक है, वर्शिप करने के लिए नहीं था, सिर्फ पूजा, एक पूजा ही नहीं की जाती थी, टेम्पल जो था वो हमारी इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। आई थिंक सो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर धन या दौलत, या मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर यू नो कहीं पे सोना चांदी या प्रीशियस मेटल्स अगर कहीं पे लगी हैं या यूज़ की गई हैं तो इंडियन टेम्पल्स में की गई हैं, राइट। आपने पद्मनेश्वर टेम्पल के बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है, जब उसके दो द्वार खोले गए थे तो इंडिया को वर्ल्ड थ्रेट हो गया था, है ना। वर्ल्ड थ्रेट का मतलब है कि पूरी दुनिया से थ्रेट आना शुरू हो गया था, इतना गोल्ड था उसके अंदर, इतनी जो मतलब यू नो इतनी प्रीशियस मेटल्स थी उसके अंदर, राइट। तो ऐसी यू नो इस तरीके से आप स्टडी करते हो, राइट। इसमें ना स्टूडेंट फ़र्क कहाँ आता है कि एक तो आप हिस्ट्री पढ़ते हो अपनी स्कूल लेवल पे, राइट, एक आप हिस्ट्री पढ़ते हो कॉम्पिटिशन के लेवल पे या यू नो आप एक सिविल सर्विसेज के लेवल पे, तब उसका यू नो एक जो प्रिसेप्शन है उसको पढ़ने का या यू नो जो वे होता है पढ़ने का या उसको समझने का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, राइट। जैसे मैंने आपको टेंपल का भी एग्जांपल दिया कि टेंपल्स आर नॉट ओनली द प्लेस फॉर वर्शिप, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट अवर इंडियन इकोनमी ऑल्सो, राइट। रिचनेस को ये शो करता है, कल्चर को, राइट, कितना कल्चर रिच है हमारा कंट्री, डाइवर्सिटी है, राइट, अलग अलग टेंपल्स के स्ट्रक्चर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ को, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप हिस्ट्री पढ़ोगे यहाँ पे, राइट। फिर आप पढ़ते हो स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जैसे वर्ल्ड वॉर वन टू जितनी भी रिफॉर्म्स हुए या जितनी भी रिवोल्यूशन हुई, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, राइट, इटली, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, राइट। फिर वर्ल्ड के सिनेरियो के अंदर ही आप यू नो इंडिया को भी कोरिलेट करोगे कि जब वर्ल्ड के अंदर इतने बड़े बड़े रिवोल्यूशंस हो रहे थे या वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे इंडिया की क्या सिचुएशन थी, राइट। उसके ऊपर प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इवन हमारे मेंस में भी बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक्स जो हैं उनको आप हैंडल करते हो, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन इकॉनमी की। इंडियन इकॉनमी लाइक यू नो हमारी इकॉनमी ही होती है स्टूडेंट जो यू नो रियल पिक्चर शो करती है, राइट, हमारी डेवलपमेंट को, हमारी ग्रोथ को, राइट। उसके अंदर आप जीडीपी पढ़ोगे, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, राइट, जो भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट, गवर्नमेंट, आरबीआई, बैंक्स, बैंकिंग सिस्टम, ये सब कुछ कवर करोगे स्टूडेंट आप इंडियन इकॉनमी के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ज्योग्राफी, राइट, राइट। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी यू नो हर चीज़ स्टूडेंट ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। किसी कंट्री की पॉलिटी ज्योग्राफी तय करती है। अब आप मेरे से पूछोगे कि हाउ इज़ दिस मैम पॉसिबल, कोई किसी चीज़ की पॉलिटी जो है वो ज्योग्राफी से कैसे कोरिलेट करती है? बिल्कुल करती है स्टूडेंट। हमारी इंडियन ज्योग्राफी जो है और हमारी इंडियन पॉलिटी वो कोरिलेट करती है। अगर आप इंडिया की पॉलिटी को कंपेयर करो अफगानिस्तान की पॉलिटी से तो डिफरेंट है। उसका एक रीज़न ये भी है ज्योग्राफी। इंडिया एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री, एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक मेन मुद्दा है, राइट। गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। हमारी 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंड करती। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो एग्रीकल्चर से शुरू होती है, एग्रीकल्चर उसको इम्पैक्ट करता है। आपने देखा नहीं पंजाब के अंदर किसान मूवमेंट की वजह से एक थर्ड गवर्नमेंट आ जाती है वहाँ पे, जो आज तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल ही थी और आज वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, राइट, करती। और अगर आप अफगानिस्तान की अगर ज्योग्राफी देखो तो क्या है सारे का सारा?
रेगिस्तान वाला एरिया है ना, ज़्यादातर डेजर्ट एरिया है, राइट? वहाँ पे एग्रीकल्चर इतने बड़े लेवल पे नहीं होती है, राइट? तो वहाँ की पॉलिटिक्स आप देखिए डिफरेंट है, राइट? वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बात ही नहीं कर रहे, राइट? ठीक है, तो उस तरीके से वैसे ही स्टूडेंट हमारी हिस्ट्री, हिस्ट्री भी कोरिलेट करती है ज्योग्राफी के साथ। आप देखिए कि पूरे, अगर आप एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखो, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर इंडिया पे अटैक जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से हुए। दिस इज़ अवर इंडिया, राइट? दिस इज़ अवर इंडिया। तो ज़्यादातर अटैक यहीं से होते हैं, ईरान, इराक, तो हमारा जो वेस्ट एशिया है ना, मिडिल ईस्ट, इंडिया ईस्ट, मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, वहीं से ज़्यादातर अटैक हो रहे हैं इंडिया के ऊपर। वाई, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? क्योंकि इधर वाली साइड जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो ज़्यादा वनरेबल है, प्लेन एरिया ज़्यादा है, इसलिए उसको एनिमीज उसको बहुत आराम से क्रॉस कर सकती हैं। बट इधर देखो आप, इंडिया की इस वाली साइड, आप ऊपर वाली साइड देखो, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ देखो, उधर वाली साइड हिमालय एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है ना, बहुत बड़ा हिमालय, उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, राइट? एक हिमालय बिल्कुल ऐसे वॉल की तरह एक्ट करता है, परमानेंट वॉल है वो, राइट? उधर से एनिमी जो है वो एंटर नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। और पेनिनसुला जो है उसके चारों तरफ, तीनों, दोनों तरफ इंडिया के पानी है, राइट? तो पानी को भी क्रॉस करना मुश्किल है, हिमालय को क्रॉस करना मुश्किल है, बट एक ही साइड है जो वल्नरेबल है, दैट इज़ द नॉर्थ वेस्ट। और आज भी आप देखो, पाकिस्तान जो हमारी एनिमी कंट्री है वो हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही है, राइट? यस और नो? वो हमारे वेस्ट में ही लाई करती है, राइट? सो इस तरीके से हमारी ज्योग्राफी जो है वो हमारी हिस्ट्री को भी इम्पेक्ट करती है, राइट? यस और नो? ओके, सो देखा ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ने, आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही होगी कि ओके, नाउ आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ जी, सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्या रोल प्ले करता है वो। सिलेबस ही होता है स्टूडेंट, सिलेबस एक ऐसा मिरर है स्टूडेंट जो आपको एग्जामिनेशन की रियलिटी बताते हैं कि हाँ जी, ये रियलिटी एग्जामिनेशन की, आपको इस तरीके से पढ़ना है, राइट? ओके, वो आपको एक पैटर्न बताते हैं कि हाँ जी, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, एवरीडे साइंस पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है? और उसको हर चीज़ को आपको कोरिलेट करना है, राइट? ठीक है, फिर है हमारा करंट अफेयर स्टूडेंट, नेशनल और इंटरनेशनल, प्लस हमारा हरियाणा के बारे में बाद में बात करते हैं। तो उस करंट अफेयर को कवर करने का भी एक बहुत ईजी मेथड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार, करंट अफेयर बहुत वास्ट है तो कैसे कवर करेंगे हम उसको, बट बिलीव मी स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है? बस आपको एक इसको सही सीक्वेंस में पढ़ना होता है, राइट? जब आप इसको सही सीक्वेंस के साथ पढ़ते हो, राइट सीक्वेंस के साथ इसको आप रेडी करते हो, तो करंट अफेयर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रह जाता, राइट? नेक्स्ट वन इज़ अवर लास्ट पार्ट है अवर हरियाणा इकोनमी या हरियाणा पीपल, सोशल, इकोनमी, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज, ये सब कुछ पढ़ना है आपको रिलेटेड टू हरियाणा, ठीक है? तो ये हरियाणा जीके का पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमारी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से रेडी करवा देगी हरियाणा इकोनमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेजेस, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से थॉरली कवर करवा दी जाएगी। सो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है? ना ही करंट अफेयर की और ना ही आपको हरियाणा जीके की, ठीक है जी? ओके, तो इसी के इसी ऐसे हम पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है जी? नेक्स्ट है हमारा सी सेट स्टूडेंट, राइट? ये हमारा पेपर नंबर 2 है स्टूडेंट्स सी सेट का, ठीक है? दिस इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है? क्वालिफाइंग इन नेचर है स्टूडेंट ये, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है? ओके, तो क्वालिफाइंग है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका सी सेट के अंदर, सी सेट के अंदर स्टूडेंट आपका, ठीक है, सी सेट के अंदर स्टूडेंट आपका जो है वो एक तो इंग्लिश का पेपर रहेगा, एक आपका रीजनिंग का पेपर रहेगा और एक आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा। तो कुल मिला के आपको 3 सेक्शंस यहाँ पे रेडी करने हैं, ठीक है? ठीक है, ओके, तो 3 सेक्शंस आपको यहाँ पे रेडी करने हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज़ योर इंग्लिश, सेकेंड वन इज़ योर रीजनिंग एंड थर्ड वन इज़ योर मैथमेटिक्स, ठीक है जी? तो इसको आपको रेडी करना है यहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है? 100 क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर से आपको 66 मार्क्स जो हैं उसको गेन करना होता है, ठीक है? 66 मार्क्स, ठीक है? तो 66 मार्क्स आपको यहाँ पे यू नो गेन करने हैं स्टूडेंट्स, राइट?
100 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, 66 नंबर आने चाहिए आपके टू क्वालिफाइंग द सी सेट पेपर, ठीक है। सी सेट को स्टूडेंट लाइट मत ले लेना, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सी सेट को लाइट लेने की गलती मत कर देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सी सेट जो है वो ईजी ही आएगा, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सी सेट को आपको लाइट नहीं लेना, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी, ओके, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। सो दिस इज़ अवर मेन्स सिलेबस, चलो मेन्स की हम टेंशन नहीं लेंगे, बट हाँ देख लेते हैं एक बार के लिए हम यहाँ पे मेन्स में स्टूडेंट आपके तीन पेपर हैं, पहला आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर 100 मार्क्स का, फिर आपका इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर होगा 100 मार्क्स का, और एक आपका जीएस का पेपर होगा, इसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो भी हमने प्रीलिम्स में देखे वो भी 100 मार्क्स के हैं, ठीक है जी। इसमें दो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शनल के दो पेपर आपको रेडी करने पड़ेंगे, ऑप्शनल का मतलब ऑप्शनल एक ही रेडी करना है, उसका पेपर वन पेपर टू होगा, दोनों ही 150 मार्क्स के हैं, ठीक है, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, ओके। सो इसी के लिए स्टूडेंट, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया स्टूडेंट, अभिमन्यु IAS HCS फास्ट ट्रैक बैच यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, ये 75 डेज का बैच है स्टूडेंट, जिसका प्राइस है ₹35,000, ठीक है। जितना भी 35,000 में जो भी आपको प्रोवाइड होगा वो मैंने पहले ही डिस्कस किया है, लाइव रिकॉर्डेड ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट मेंटरशिप राइट टेस्ट सीरीज हर चीज़ इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, वो हो रहा है 21 नवंबर 2023 से। तो स्टूडेंट्स विंडो ओपन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए फॉर द HCS एग्जामिनेशन, ओके जी, ठीक है जी। और कोई डाउट है तो आप हमें पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, राइट। और किसी कोई डाउट है आपको, आपको लगता है कि इस चीज़ पे वीडियो आनी चाहिए, राइट, तो डू कमेंट स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ ओवर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।